Hey guys, मैं हूं शर्कर, आप लोग देख रहे हो मेरा चैनल DSSHTV Vlog। तो दोस्तों, मैं अभी बहुत दिन से ब्लॉग वीडियो नहीं बना पा रहा था, तो क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिल रहा था। तो अभी मैं छुट्टी में हूं, तो सोचा तो एक ब्लॉग वीडियो बना ही लेते। कल मैं आया था मेरे वाइफ का क्वार्टर में, ये है, आप लोगों को दिखाऊंगा। ये है बेडरूम दोस्तों, इसमें एक शोकेस मिला है जो कि दीवार के साथ है, सेटिंग है ये। और ये बेड है, हम लोग अभी आज सुबह ही आए तो रूम साफ तब किया, तो अभी भी सब ऐसे ही रखा हुआ है। ये है टीवी है, और टीवी में कपिल शर्मा का शो चल रहा है। और ये है टॉयलेट बाथरूम, और पुचू ड्राइंग रूम में। हाय पुचू, देखो पुचू खाना बना के लाया। ये एक मिरर रखा हुआ है, एक घड़ी है, ये सब पहले से लगा हुआ था, ये एक्सरसाइज करने के लिए देखो। और यहाँ पे पुचू किचन में खाना बना रहा है, देखो आचार के लिए मैंगो, ये छोटा गैस। और मैं कल शाम को आया था, तो आते आते मेरा बहुत रात हो गया, मैं गाड़ी लेकर आया कल, गाड़ी लेकर आते समय एक हो गया मेरे साथ। मैं जब आ रहा था तो उस टाइम सिलीगुड़ी से जब आ रहा था, एक बंदा मुझे मिला वहाँ पे, जो कि उसने किसी काम के लिए सिलीगुड़ी में आया था, किसी दोस्त ने उसको बुलाया था, लेकिन वो जो दोस्त था वो नेपाल चला गया, तो उसी की वजह से वो लड़का जो है, लड़का गुजराती था, वो तो बंदा वहाँ पे रेल के बोलते पेट्रोल पम्प में खड़ा था, वो ऐसे ही लिख मांग रहा था, तो मैंने उसको देख के रोका। उसने मेरे को बोला, भैया मैं इधर काम के लिए आया था, मैं होटल में खाना बनाता हूँ और मैं वेज खाना बनाता हूँ, तो लेकिन यहाँ पे जितना होटल है सारे सारे नॉन वेज ही खाना बनाता है, और मैं जिस होटल के लिए आया था वहाँ पर मुझे ले भी नहीं रहा है, क्योंकि मेरा कोई जान पहचान वाला है नहीं, मुझे जिस दोस्त ने बुलाया था यहाँ पर वो चला गया नेपाल में, और उसका फ़ोन भी नहीं लग रहा है। वो बोल रहा है मैं बहुत बुरी तरह से फंस चुका हूँ, मेरा पास पैसा भी नहीं है अभी, और थोड़ा मतलब लड़का जो था थोड़ा गरीब था, उसने ऑनलाइन मतलब जो हम लोग अमेजोन फ़ोनपे ये सब यूज़ करते हैं, उसके पास ये सब कुछ नहीं थे, तो उसके घर में भी मैंने उसको पूछा, उसके घर में भी उसका फैमिली में उसका मम्मी है और एक छोटा भाई है, उसका शादी भी नहीं हुआ, काम किया था, तो बंदे को मैंने लिफ्ट दे दिया वहाँ से सरनेस तक, उसके हाथ में 500 रुपया भी दे दिया, और उसको पटना जाना था वापस, पटना में वो बंदा काम करता था, वहाँ से यहाँ आया, फिर मैं उसको गाड़ी में बैठा के 500 रुपया हाथ में दे दिया, बोला चले जाओ आप जा सकते हो अभी किशनगंज से पटना का जो बस का जो रेंट था वो 450 रुपया, तो उतना में वो बोला मैं अगर पटना तक पहुंच जाऊंगा तो वहाँ पे मुझे किसी न किसी होटल में काम मिल ही जाएगा, तो मैं इसको छोड़ के आया। रात हो गया कल रात में, इधर आने के बाद बहुत तूफान हुआ, तो रात को लाइट चला गया था, तो लाइट आया आज शाम को, दिन भर यहाँ पे काम चला, क्योंकि तूफान में बहुत पेड़ टूट गया था, होता है लाइन का जो पोल जो है पोल में गिर गया था, उसकी वजह से लाइट नहीं था दिन भर, काम नहीं आया, तो अभी हम लोग शाम को थोड़ा रेस्टोरेंट पे गया था, उधर खाना खा के आया हूँ। हे गाइस, এদিকে দেখো এদিকে দেখো এদিকে দেখো এবার আমাকে বানাবা, রাস্তিকে নিয়ে যাও, এখন করে নিয়ে যাও, করে নিয়ে যাও। Thank you.
पूजू ने खाना बनाया, देखो पूजू खा रहा है, तो अभी हम लोग खाना खाएंगे। देखो मेरे को छोटे खाना खा रहे इधर बैठे बैठे। तो अभी हम लोग खाना खाएंगे, फिर थोड़ी देर बाद मिलते हैं। हे गाइस, अभी हम लोगों का डिनर हो गया, अभी हम लोग आ गया सोने के लिए। कुछ मोबाइल चला रहा है इधर जो जो इंस्टाग्राम में रील्स बना रहा है। तो आज का जो वीडियो है यहीं पे ख़त्म करते हैं। अभी सबको गुड नाइट, बाय बाय बोल दो, बाय।